में आज हम मौजूद हैं खिदिरपुर इलाके में और खिदिरपुर इलाके के रजब अली लेन में। और यहाँ पर रजब अली लेन के अंदर एक घोसपाड़ा बोल के जगह है जहाँ पर रिजवान रशीद अंसारी साहब का एक ऑफिस है। और उस ऑफिस में अभी उपस्थित है हमारे साथ ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन प्रसाद जी और साथ ही ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के नेशनल चीफ एडिटर रिजवान रशीद अंसारी साहब। तो आने वाले 7 तारीख को मीडिया फाउंडेशन का पहला साल मनाया जाएगा, फाउंडेशन दिवस मनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम मनमोहन प्रसाद जी से सीधे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर 7 जनवरी का क्या तैयारी है। तो मनमोहन सर जी आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार, मैं मनमोहन प्रसाद, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन। मैं अपने संदेश में पूरे भारतवासियों को, जो इस देश के वाशिंदा हैं, सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूं। मैं अपने संदेश में यह भी कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन विगत वर्षों से कुछ महीना अधिक होने जा रहा है और हम ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं, इस कार्यक्रम के भागीदारी हैं और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ढंग से लेकर चल रहे हैं। आगामी 7/1/2024 को ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन फाउंडेशन डे वार्षिक दिवस मनाने जा रही है। ये कोलकाता में बहुत भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम करने का तैयारी चल रहा है। मैं अपने संदेश में यह भी कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन करीबन पूरे भारतवर्ष के 13 से 15 राज्यों में काफ़ी निरंतर और गति की ओर बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के तहत हमारे सभी पदाधिकारी जो एक परिवार के तरह हैं, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और एक दूसरे से आपसी विचार से जुड़े हुए हैं। इसी का कारण है कि ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन काफ़ी आगे है। मैं अपने अथक परिश्रम और हमारे फाउंडेशन के से संबंधित सभी पदाधिकारी के अथम प्रयास परिश्रम के साथ और के कारण ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन आज पूरे भारतवर्ष में काफ़ी आगे है। हमारे फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय रिजवान रशीद अंसारी जी, जो ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के चीफ एडिटर हैं, राष्ट्रीय चीफ एडिटर हैं, इनका सहयोग और इनका कार्य, संस्था के प्रति अच्छी सोच, ये निरंतर जारी है और इसी का कारण है कि इनके जो स्वच्छ योगदान है इसमें ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन को लाभ मिल रहा है। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन आगे है। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन, मैं बताते चलूँ कि ना तो कोई जाति धर्म, ना तो कोई विशेष व्यक्ति, ये निष्पक्ष कार्य करता है। गरीबों को, जहाँ पे लोग ज़रूरतमंद हैं, उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी और सदस्य आगे रहते हैं और अपना विचार और अपना सहयोग भी देते आए हैं। हम ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में अभी निरंतर अपनी गति को पकड़े हुए है, हमारे जो समस्त पदाधिकारी हैं उनका सहयोग है और उनके सहयोग के वजह से ही, अच्छी सोच के वजह से ही ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन काफ़ी आगे है। सर, अगर ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन से कोई जुड़ना चाहता है तो क्या उसको पत्रकार होना ज़रूरी है? ऐसी बात नहीं है। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन वास्तविक में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति और उनके निबंधन से ये संस्था चल रही है और ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन
से ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पत्रकारिता से जुड़े हों या पत्रकार ही हों। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन का दो काम है, पहला काम तो मीडिया से संबंधित है और दूसरा काम ये सोशल एक्टिविटी से भी है, जो सोशल एक्टिविटी अन्य तरह के जो संगठन करते हैं उसी तरह से ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन संगठनात्मक कार्य करती है और लोगों को इसके तहत मदद करती है। आपका प्रश्न बहुत अहमियत रखता है कि आपने जो कहा है कि क्या इसके जुड़ने के लिए मीडिया से होना चाहिए या मीडिया से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन अपने जुड़े हुए लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए पदाधिकारियों को छोटा एक प्रशिक्षण का भी कार्य देता है, कैसे हमें प्रशासन के साथ रहना है, कैसे प्रशासन को अपने अधीन जो है, अपने जो हमारा जो कर्तव्य बनता है प्रशासन के साथ कैसे चलना है, उनके गाइडलाइंस को मानना है, चाहे वो राज्य सरकार से संबंधित हो या भारत सरकार से संबंधित हो। ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन सदैव अपने पदाधिकारियों को, अपने लोगों को ये निर्देश देता आया है कि आप जब भी हो तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो जो नियम कानून है उसको पालन करें और उनके नियम के अंतर्गत ही चलें। कभी भी कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या भारत सरकार के नियम को उल्लंघन करता है, वैसी स्थिति में ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन उन्हें या तो फाउंडेशन से बाहर करता है या उनको हिदायत देकर आगे गलती नहीं करें इसके लिए उन्हें निर्देश देता है। सर, अब हम बात करेंगे रिजवान रशीद अंसारी साहब से जो नेशनल चीफ एडिटर है। तो सर, क्या कहेंगे आप ऑल इंडिया फाउंडेशन डे 7 तारीख को बड़े पैमाने में एक अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं? देखिए, ये हम लोग एक परिवार के तरह हैं, कई सालों से प्रसाद जी का आशीर्वाद है और हम लोग इनके छत्र छाया में रहना चाहते हैं। ये लोग माने प्रसाद जी जिस तरह से हम लोग को गाइडलाइन करते हैं एक परिवार के तरह, तो ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी मेंबर हैं वो सब हम लोग गाइडलाइन इनका फॉलो करके चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग फाउंडेशन डे मना रहे हैं, 1 साल होने को आ गया है, तो हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी हम लोग का एक ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन का एक नया सोच आगे जारी हो रहा है और जैसे कि हम लोग का जितने भी राज्य में हम लोग अभी फैल रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं और अकेले ही प्रसाद जी बैठ करके इसको पूरा गाइडलाइन करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके गाइडलाइन में जितने भी स्टेट में हमारे पदाधिकारी लोग हैं और जितने भी हम लोग के मेंबर बने हैं सब इनकी वजह ही से बने हैं, इनके स्वभाव के वजह से बने हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं, ये न्यूज़ भी है और प्लस गरीबों के लिए जो मदद होता है ये फाउंडेशन से दिया जाए। जिस तरह किसी वार्ड में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, या पुलिस में जैसे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई कर दिया जा रहा है, तो ये सब के बारे में हम लोग एक सोच निकाल रहे हैं। जिस तरह से जिस जिस वार्ड में हम लोग का पदाधिकारी रहेंगे उस तरह हम लोग उनको गाइड करेंगे। अगर जिस जगह नहीं होता है रात के 2 बजे 3 बजे, मैं पहले भी कहा था कि मुझे फ़ोन करें, प्रसाद जी को डिस्टर्ब कोई ना करे, जितने भी हमारे मेंबर और पदाधिकारी हैं मैं उस टाइम है ऑलवेज आने का कोशिश करूंगा और मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा जो सच रहेगा, अगर आपके साथ गलत होता है तो। हम लोग स्थापना दिवस जो कर रहे हैं तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके आइए और हमारे साथ रहिए। हम लोगों ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का एक हॉल को बुकिंग किया है जिसमें हम लोग फाउंडेशन डे मना रहे हैं, बीबी गांगुली स्ट्रीट में है, और वहाँ आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को थोड़ा सा आप लोग देखें किस तरह इस उम्र में भी वो एक फाउंडेशन को चला भी रहे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ सोच है उनका, जो वो बिना बैठक का होगा नहीं, वो बैठेंगे, उनका सोच उनका विचार में सबको चलना होगा जैसा वो गाइड कर रहे हैं। अगर उसमें नहीं चलिएगा तो फाउंडेशन कैसे चलेगा? जैसा कि आपको बता दें, ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं मनमोहन प्रसाद जी,
वो सिर्फ ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के फाउंडर ही नहीं बल्कि उनका खुद का एक हिंदी अखबार है अस्थिति न्यूज़ पेपर, जिनके वो चीफ एडिटर भी है, ओनर भी है, पब्लिशर भी है। तो साथ ही इसी माध्यम से हमने आपको मनमोहन प्रसाद जी से रूबरू कराया, साथ ही रिजवान रशीद अंसारी साहब से भी रूबरू कराया। तो आने वाले 7 तारीख को आप लोगों से निवेदन है जो ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन का हाथ मजबूत करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।